अगर इसी तरह के वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी दबाओ। अगर आपने मेरा इंडिका वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था उसमें कि 1998 से पहले कोई भी इंडिया मेड कार भारत में नहीं थी। सेम केस महिंद्रा वालों के साथ भी था, और उनके पास भी कोई इंडिजिनियस कार तो बिल्कुल भी नहीं थी। उन महिंद्रा वाले पहले कमर्शियल व्हीकल्स बनाया करते थे प्रॉपर, लेकिन वो इंडिजिनियस नहीं थे क्योंकि वो जीप और विलीज के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होते थे और वो थोड़े बहुत मॉडिफाइड भी होते थे। महिंद्रा वालों के मेन प्रोडक्ट उस टाइम कमांडर, मेजर और अर्माडा था। 1995 तक आते आते उन्होंने सोचा कि हमारे पास भी एक इंडिजिनियस कार हो और वो एक अर्बन एसयूवी के तौर पर सामने आए, क्योंकि विलीज और जीप वाले जो कस्टमर थे वो ज़्यादातर रूरल एरिया से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने एक अर्बन और ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने की सोची। फिर 1996 में उन्होंने सोचा कि इस प्रोजेक्ट को फाइनल कर दिया जाए, तो उन्होंने 600 करोड़ में एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा। और ये 600 करोड़ का बजट किसी भी ग्लोबल प्रोडक्ट के तौर पर बहुत ज़्यादा कम था, लगभग वो आधी कीमत पर था। तो उन्होंने दो नए आदमियों को हायर किया, यानी कि मैं पहले आदमी का नाम था पवन गोयनका और दूसरे का नाम था एलन दुरांतो, और इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर महिंद्रा के स्कॉर्पियो प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया 1996 में। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 5 सालों तक काम चला और 5 सालों में लगभग हर किसी चीज़ पर अलग अलग तरह से कार्य किया गया। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पर मिलाकर बनाया गया। गाड़ी के पार्ट जैसे बॉडी पार्ट्स हो गए वो किसी और देश में बने थे, सीट का काम अलग जगह पर करा गया, इंजन कहीं और से लाया गया, यानी कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रियों में इसकी डिज़ाइन वगैरह को या फिर उसके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह को सब मिलाकर उस गाड़ी को बनाया गया। साथ में महिंद्रा वालों को रिनॉल्ट और फोर्ड के साथ में जो जॉइंट वेंचर बनाया था उसका भी ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी भी स्कॉर्पियो बनाने में उन्होंने यूज करी। 5 साल की मेहनत के बाद और महिंद्रा के वर्कर्स की बहुत सारी अच्छी सीखों के बाद 2002 में 7 से 7.5 लाख के बीच में महिंद्रा वालों ने लॉन्च करी स्कॉर्पियो। इतनी कम बजट में एक अर्बन एसयूवी मिलना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, और महिंद्रा के जो पुराने कस्टमर थे जीप विली और अर्माडा वगैरह वाले सब इधर इस पर ही शिफ्ट हो गया, क्योंकि इस गाड़ी के लुक्स उन गाड़ियों से बेहतर थे। ये गाड़ी थोड़ी अर्बन भी थी और साथ में ग्लोबल मार्केट से बिलोंग करती थी। इस गाड़ी में आपको जितने भी देशों में इसकी सप्लाई वगैरह होती है या फिर असेंबली होती है वो आपको भी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप उसको पॉज कर पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो के बारे में। ये 2002 में लॉन्च हुई थी और स्टार्टिंग में इसमें 2.6 लीटर का डीजल इंजन मिलता था जो करीब 108 BHP की पावर प्रोड्यूस किया करता था। साथ में एक पेट्रोल इंजन भी मिलता था रिनॉल्ट वाला, वो तो 2.1 लीटर का था। इसके पावर और फिगर अगर मेरे को मिले तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। गाड़ी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिला करते थे और इस गाड़ी में आपको उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज भी मिला करता था। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और इसको लोगों ने खरीदना भी पसंद किया। लेकिन अब हर नई गाड़ी को जब भी बनाया जाता है तो उसके प्लेटफॉर्म या फिर उसकी चीज़ों में थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ तो होती है। तो 2006 आते आते उस गाड़ी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ दिखाई गई, तो महिंद्रा वालों ने जल्दी से जल्दी फीडबैक लेना चालू किया और उसके फेसलिप पर काम शुरू कर दिया। अब इस इंडिया मेड कार के पहले फेसलिप में लगभग 40 से भी ज़्यादा बदलाव करे गए। 40 से भी ज़्यादा बदलावों वाली स्कॉर्पियो को 2006 में लॉन्च किया, और उन बदलावों में प्रमुख बदलाव थे एक तो इंजन के पावर फिगर को बढ़ा देना, यानी कि 108 BHP से अब वो लगभग 116 BHP हो गया। अब इंजन की पावर वगैरह बढ़ गई तो उसके एयर इंटेक के लिए बोनट पर स्कूप लगा दिया गया। इसमें स्लाइडिंग सीट्स वगैरह मिलने लग गई, फॉलोमिंग हेडलैम्प्स वगैरह जैसे फीचर मिलने लग गए, और भी ज़्यादा बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर इस गाड़ी में इंक्लूड कर दिए गए। इतने सारे बदलाव होने के साथ साथ में इस गाड़ी में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस भी आए थे, नए एलॉय व्हील्स इस गाड़ी में आ गए थे, ग्रिल वगैरह को चेंज कर दिया गया था। इतने सारे फीचर आने के बाद में और इसके कॉस्मेटिक डिज़ाइन अपडेट के बाद में इस गाड़ी के लुक्स और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गए, लोगों को और ज़्यादा पसंद आने लग गई और इस गाड़ी की सेल्स और भी ज़्यादा बूस्ट हो गई। 2009 तक इस गाड़ी को बेचा गया, फिर 2009 में आकर इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करके इस गाड़ी की सेकंड जनरेशन को लॉन्च करा गया। सेकंड जनरेशन में ही बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया, और आप इन इंप्रूवमेंट को इसी बात से समझ सकते हो कि इसके फेसलिप में लगभग 40 से ज़्यादा बदलाव करे गए थे, तो इसकी एक जनरेशन चेंज में कितने सारे बदलाव किए गए होंगे। जनरेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश गाड़ी में की गई, यानी कि जो बॉडी रोल वगैरह था, इसकी राइड और जो सस्पेंशन वगैरह थे उनकी जो स्टिफनेस थी उनको भी कम कर दिया गया। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी वाला सस्पेंशन सेकंड जनरेशन में ऐड कर दिया गया, और ये सेकंड जनरेशन जो था वो ज़्यादा स्पोर्टी दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस भी उसमें करे। हालांकि दोनों जनरेशन दिखने में और डायमेंशन वगैरह में तो सेम थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव उन गाड़ी में किए गए। सेकेंड जनरेशन में 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन महिंद्रा वालों ने देना चालू कर दिया जो 118 BHP की पावर प्रोड्यूस किया करता था, और पेट्रोल इंजन तो साथ में रिनॉल्ट वाला मिलता ही था उस गाड़ी में।
सेकेंड जनरेशन में इंजन के साथ में आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी मिलता था जो 6 स्पीड वाला था, और लेकिन मैनुअल 5 स्पीड वाला ही अभी भी मिल रहा था उस गाड़ी में। सेकेंड जनरेशन में बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ में आप सेफ्टी पे और भी ध्यान दिया गया है इस गाड़ी में। एयर बैग्स और ABS वगैरह भी ऑफर कर दिए गए, लेकिन वो खाली ऑप्शनल वेरियंट्स में मिलते थे क्योंकि उस टाइम पे कोई स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर वगैरह कुछ भी रूल वगैरह नहीं हुआ करते थे इंडिया में। सेकेंड जनरेशन मॉडल के साथ में उन्होंने बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट भी किए, जैसे माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी लॉन्च करी और भी ज़्यादा अलग अलग वेरियंट निकाले स्पेशल एडिशन वगैरह के। साथ में ही महिंद्रा उन्होंने इसका एक पिकअप ट्रक वर्जन भी लॉन्च किया जिसका नाम स्कॉर्पियो गेट अवे रखा। ये स्कॉर्पियो गेट अवे जो था वो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन जो बाहरी विदेशी कंट्री थी उनमें वो पॉपुलर हो गया क्योंकि वहाँ पर पिकअप ट्रक की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सस्ते में इतना प्रैक्टिकल पिकअप ट्रक मिलना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था, खास करके ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ज़्यादा बिका। 2014 आते आते अब ये डिज़ाइन थोड़ी पुरानी लगने लग गई क्योंकि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन स्कॉर्पियो में लगभग सेम डिज़ाइन ही हुआ करती थी। फिर सेकंड जनरेशन को 2014 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया और 2014 में इसका थर्ड जनरेशन को लॉन्च कर दिया गया, और थर्ड जनरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने में था मेरे हिसाब से, लेकिन लोगों को इस डिज़ाइन को एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि लोगों को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया, खास करके टेल गेट पर लगी हुई पिछले वाली पट्टी। अगर इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स की बात करूँ तो ये गाड़ी अब 118 BHP से 120 BHP पावर प्रोड्यूस कर दिया करती थी। मैं जब इसका थर्ड जनरेशन लॉन्च किया गया तब उसके जस्ट 1 या 2 साल पहले टाटा वालों ने सफारी स्ट्रॉन्ग को भी लॉन्च किया था, और सफारी स्ट्रॉन्ग सेकेंड जनरेशन स्कॉर्पियो के सामने बहुत ज़्यादा प्रीमियम और भारी पड़ने लग गई थी, इसलिए महिंद्रा वालों ने इस गाड़ी को लॉन्च किया। जब इस गाड़ी को लॉन्च किया तब इस गाड़ी ने हमेशा की तरह सफारी की सेल्स को पीछे छोड़ दिया और सफारी को फिर से पुअर इन सेल्स बना दिया। इस गाड़ी में अभी भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिला करता था। सेकेंड जनरेशन के साथ साथ में इस गाड़ी में बहुत सारे और फीचर ऐड कर दिए गए, जैसे जैसे नए फीचर ऐड होते गए उस टाइम के हिसाब से, जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गया, LED टेल लैम्प वगैरह हो गया, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, और भी बहुत सारे नए नए फीचर इस गाड़ी में ऐड होते गए। कस्टमर को जैसी जैसी डिमांड होती थी वैसी वैसी महिंद्रा वालों ने पूरी भी करी, और कस्टमर को वो पीछे टेल गेट वाली पट्टी नहीं पसंद आई थी तो महिंद्रा वालों ने फीडबैक लेकर उस गाड़ी पे वो पट्टी भी हटा दी। अब आया 2017 में इस गाड़ी को एक फाइनल अपडेट मिला, और फाइनल अपडेट में इस गाड़ी में इंजन को रिफाइनमेंट मिला, और इंजन रिफाइन होने के बाद में इस गाड़ी की पावर और भी ज़्यादा बढ़ गई, लगभग 140 BHP तक की पावर प्रोड्यूस कर दिया करता था। अब इस गाड़ी में ऑटोमेटिक वेरिएंट अवेलेबल नहीं था, पहले पेट्रोल और ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते थे, लेकिन अब वो दोनों ही ऑप्शन इस गाड़ी से हटा दिए। अब ये गाड़ी खाली डीजल में मिलती है और साथ में 4x4 का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये गाड़ी बहुत सारे मामलों में सही निकली, लेकिन अगर सेफ्टी की बात की जाए तो ये गाड़ी सेफ्टी में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि 2016 में जब ग्लोबल NCAP वालों ने इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया तब इस गाड़ी के बिना एयरबैग वाले वर्जन ने 0 स्टार हासिल की, जिससे लोगों के दिमाग में थोड़ी बहुत खलबली मची। लेकिन जब इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर को अप्लाई कर दिया गया, यानी कि एयरबैग ABS वगैरह को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तब इस गाड़ी की सेफ्टी पर भी थोड़ा बहुत ध्यान आ गया लोगों को। हालांकि ये एक अनसेफ कार है अगर बिना एयरबैग की हो तो। इस गाड़ी में बहुत सारी कमियां रही है, लेकिन उन कमियों को पछाड़ने के लिए बहुत सारी खूबियां भी इस गाड़ी में महिंद्रा वालों ने भर के रखी है। और सबसे बड़ी कमी की बात करो तो इसमें प्रैक्टिकलिटी की है क्योंकि इसमें बहुत सारे कम स्टोरेज स्पेस मिलते हैं, लेकिन लोगों को उसके फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग इसको रोड प्रेजेंस और शो ऑफ करने के लिए ही लेते हैं, और ज़्यादातर लोग इसको इसीलिए प्रेफर करते हैं। अगर इंडिया में फॉर्च्यूनर के बाद अगर कोई दूसरी पसंद होती है लोगों की तो वो स्कॉर्पियो होती है। अगर इन सारे मुद्दों को छोड़ दिया था तो इस गाड़ी का एक उपयोग ये भी है कि हर बार रोहित शेट्टी इस गाड़ी को सिंघम हो सिम्बा हो उन सब की एंट्री के लिए इस गाड़ी को प्रेफर जरूरी करते हैं क्योंकि वो गाड़ी उनको उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप सिंघम में देख सकते हो और सिम्बा में भी इस गाड़ी को देख सकते हो। 2017 के बाद इस गाड़ी में अभी तक कोई ऐसा चेंज बड़ा नहीं आया है, और अगर चेंज आएगा तो वो अब सीधा जनरेशन चेंज आने वाला है, और वो 2020 में तो शायद से ही लॉन्च होगा क्योंकि लॉकडाउन या फिर इस पैंडेमिक की वजह से इस गाड़ी को अभी लॉन्च नहीं किया जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन 2021 तक इस गाड़ी को नया जनरेशन मिल जाने वाला है, और नया जनरेशन पूरा अलग देखने में लग रहा है क्योंकि स्पाई शॉट जितने भी निकल के आए उन स्पाई शॉट की मदद से इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गाड़ी के अब डायमेंशन बदल गए हैं। ये गाड़ी अब ज़्यादा प्रॉपर SUV स्टांस वाली लगने वाली है, और साथ में इस गाड़ी की थोड़ी बहुत लुक्स एल्टोरस G4 जैसी लग रही है। अगर इस गाड़ी की अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करो तो अब ये प्रॉपर 7-सीटर होने वाली है क्योंकि इसमें जो पीछे वाली सीट होगी अब वो भी एकदम स्ट्रेट रखी जाएगी क्योंकि पिछले वाली जो वेरिएंट्स वगैरह आते थे उनमें 2 जंप सीट होती थी, जबकि इस वाली गाड़ी में प्रॉपर 7-सीटर के लिए एक अलग से सीट दी जाएगी। अगर इस गाड़ी की अगर प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो लगभग ये 15 से 20 लाख के सेगमेंट में अभी ये गाड़ी आती है क्योंकि ये जब लॉन्च हुई थी तब ये 7.5 लाख की थी, तो प्राइस तो खैर बढ़ गया है, और फोर्थ जनरेशन में भी इसके प्राइस बढ़ जाएंगे।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।